हमें इस जश्न में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन नयनतारा जी, हमें ये तो बताइए, ये पार्टी है किस खुशी में? नयनतारा जी को सरप्राइजेस देना बहुत पसंद है, तो इसलिए चिंता मत करिए, जश्न खत्म होने तक सरप्राइज का रीजन भी पता चल जाएगा। आप सबके चेहरे में उत्सुकता बहुत दिख रही है, तो चलिए आप लोगों को पहले सरप्राइज ही दे देते हैं। कार लेकर आओ। शकुंतला देवी, आपकी तो नौकरों से भी बदतर हालत हो गई है। तो भाइयों और बहनों, ये है शकुंतला देवी, जिसके नाम से गरीब और लाचार लोग कांपा करते थे। इन्होंने कभी नौकर की इज्जत नहीं की, लेकिन हमने बनारस की मशहूर शकुंतला देवी को आज नौकरानी बना के रख दिया। क्या हालत हो गई शकुंतला जी की? ये तो बहुत अकड़ के रहती थी, अब देखो सारी अकड़ निकल गई। जाओ, हमारे मेहमानों की खातिरदारी करो। शकुंतला जी, याद है आपको, एक बार मैं आपसे मदद मांगने आया था और आपने मदद के बदले मुझे 10 रुपए के नोट दिए थे और कहा था कि जाकर के अपना बिजनेस बंद कर दो। आज वही 10 रुपए का नोट मैं आपको देता हूं ताकि आपकी जिंदगी अच्छे से गुजर सके, क्योंकि मुझे पता है कि आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। ये रहा टिप। तो दोस्तों, आज की शाम कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज की शाम हम आपको एक दिल दहला देने वाली कहानी जो सुनाने वाले हैं। एक मतलबी औरत की पर्दाफाश की कहानी। लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले हमने आप लोगों के मनोरंजन का इंतजाम किया है। ये क्या तमाशा कर रही है ये? आखिर नयनतारा जी करने क्या वाली है?
ये कहानी है एक औरत की जिसने अपने सास ससुर को घर का नौकर बना दिया। उन्हें इतनी तकलीफ दी कि वो इस औरत के पैरों पे गिराने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन नौकर बनाने से भी उसका मतलब नहीं निकला, इसलिए शकुंतला देवी ने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही सास ससुर की जान ले ली। ये कहानी जानना नहीं चाहेंगे ये कहानी किसकी है? ये कहानी है शकुंतला देवी की। बनारस की शान थी और आपने ऐसी हैवानियत दिखाई अपने सास ससुर के साथ। न जाने कितने लोगों का खून करके खड़ा किया ये साम्राज्य, इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। इसके साथ भी वैसा ही अत्याचार होना चाहिए जैसा इसने लोगों के साथ किया है, तभी इसकी अकड़ ठिकाने आएगी। इसको तो चप्पल से पिटाई करनी चाहिए। मारो सब लोग इसको। ले रही हो, उसका सपोर्ट कर रही हो। दो दिन पहले बनारस आई नयनतारा जी कुछ भी बोलेगी और आप सब मान जाएंगे। आपने तो बड़ी आसानी से खूनी बोल दिया ना उन्हें। क्या सबूत है आपके पास? कोई है सबूत? नहीं ना, तो ताश ले गाने से बेहतर है कि सबूत लेकर आए। आज कहानी सुनाई है, कल सबूत भी दे दूंगी। बाकी आप सब लोग शकुंतला देवी की बर्बादी का जश्न मनाइए, पार्टी एंजॉय करिए। आपने सच में दादा दादी के साथ ये सब किया था? हम तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे। हमने जो पहले काम बोला है वो करके आओ। मैं आपके सारे काम कर दूंगा मां, मुझे सच्चाई जाननी है। क्या है? कल तुम बात समझ के नहीं रहे हो। पार्टी खत्म हो जाएगी, फिर ये काम नहीं हो पाएगा। हम वादा करते हैं सारी सच्चाई तुम्हें बता देंगे। पहले जाओ, काम खत्म करो। तुम्हें क्या लगा नयनतारा, तुमने हमें शिकस्त दे दी? खेल तो अभी शुरू हुआ है और तुम्हारी हार पक्की है। पेपर्स कहाँ रखे होंगे उसने? Om Namah Shivaya. 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 Om Nam
जूस लेके आओ। डिजाइन के लिए सजा रखी है का? हमारी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी? ये क्या कर दिया मार्किन ने गुस्से में? अभी कपड़े बदलने अपने कमरे में जाएंगे और वहां तो गर्व जी होंगे। पेपर से सलमारी में तो नहीं? गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रुकी, आप कहाँ जा रही हैं? हम आपकी साड़ी साफ कर देते हैं। हम अपने कमरे में दूसरी साड़ी पहनेंगे। चलो हटो। इस शकुन को करके तो मैं ऐसे अलमारी कैसे खुला रहेगा? शायद हम ही खोल के भूल गए होंगे। की चमची कोई साजिश करने तो नहीं आई है? कोई चाबी ढूंढो, कुछ भी करके मुझे निकालो यहाँ से। मुझे घुटन होना चालू हो गई है, प्लीज कुछ करो। आप चिंता मत कीजिए, हम कैसे भी करके खोलते हैं इसे। चाबी तो नया तारा जी ले गई, हम क्या करें? अरे मेरा दम घुट रहा है, प्लीज कुछ करो। गर्जी आप थोड़ी हिम्मत रखिए, हम करते हैं, कुछ करते हैं, रुकिए। रात को ही रास्ता दिखाइए। कॉरी जल्दी कुछ करो। मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आप हिम्मत रखिए, आप कुछ करते हैं। इसकी कोई डुप्लीकेट चाबी होगी ना, हम वो ढूंढते हैं। रुकिए। कॉरी जल्दी प्लीज, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। गर्जी आप हिम्मत रखिए, हम ढूंढ रहे हैं। डुप्लीकेट चाबी मिल नहीं रही है। इससे कोशिश करते हैं। घर की थोड़ी हिम्मत रखिए, हम कर रहे हैं। सोच नहीं रहा है।
समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। अब गर्जी हमें लगता है कि इसकी सिर्फ एक ही चाबी, हम अभी लेकर आते हैं, आप प्लीज थोड़ी हिम्मत रखिएगा। आप क्या बोल रहे हैं गर्जी, हम है ना, हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा, हम अभी जाकर चाबी लेकर आते हैं। कौरी किसे ढूंढ रही है? गर्व जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये चाबी तो नयन तारा जी की कमर में है और इतने सारे बॉडीगार्ड्स, इन सबके बीच हम चाबी कैसे निकालेंगे? नहीं कौरी, तुम्हें कैसे भी करके ये चाबी निकालनी होगी, वरना तुम गर्व जी को खो दोगी। हम यहाँ नौकरानियों की तरह काम कर रहे हैं और तुम महारानी की तरह घूम रही हो। लेकिन हमें थोड़ा काम है भी। तुम्हारा एक ही काम है, हमारी बात सुनो। चलो हमारे साथ। मालकिन, हमें बहुत जरूरी काम है, हमें वो खत्म करना होगा, हमारी जान से ज्यादा कीमती है। सॉरी, नौकरानी बन गई हो लेकिन अभी भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई है। तुम्हारी ये हालत देखकर तुम पर तरस खाने को भी मन नहीं करता। वैसे इस साड़ी में बिल्कुल गरीब बुनकर लग रही हो। वो क्या कहती थी तुम? हाँ, दो कौड़ी की बुनकर। वही दो कौड़ी की बुनकर लग रही हो तुम। कौड़ी को चाबी नहीं मिली, मैं अपनी सांसें खो दूंगा। मैं समझ नहीं आ रहा हम नयन तारा जैसे चाबी कैसे लें। तुम्हारी हालत देखकर तो नयन तारा जी के लिए और इज्जत बढ़ गई है हमारी नजरों में। गरीबों पर अत्याचार करने की बिल्कुल सही सजा मिल रही है तुम्हें। नयन तारा जी ने तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दी। हमरे मेहमान के साथ बदतमीजी। अभी के अभी माफी मांगो इनसे। हमने कहा अभी के अभी माफी मांगो इनसे, वरना चमड़ी उधेड़ देंगे। शकुंतला देवी के उसूलों में माफी मांगना नहीं लिखा। मालकिन ने भी ये क्या तमाशा खड़ा कर दिया है। अब कैसे ली हम नयन तारा जी से चाबी और कैसे बचाएं गर्व जी को? हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.